दोस्तों, अगर आपको दांत का दर्द है या आपके घर पर किसी को दांत का दर्द है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसी चीजों के बारे में जिससे आप अपने दांत के दर्द को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, लौंग। दोस्तों, लौंग एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। ये दांतों के बीच मौजूद बैक्टीरिया को मारता है और दांत के दर्द को और वहाँ पर मौजूद इन्फेक्शन को कम करता है। आप सिर्फ लौंग का ऑयल लें और आपके जिस दांत में दर्द है वहाँ पर लगा दें। और आपके पास ऑयल भी नहीं है तो सिर्फ आप लौंग का पेस्ट भी बनाकर वहाँ पर लगा सकते हैं, या सिर्फ लौंग भी, जहाँ पर आपके दांत का दर्द है वो दांत से लौंग को पकड़ लें और कम से कम ऐसा 30 मिनट तक करें। इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। नंबर 2, लहसुन। अब लहसुन का पेस्ट बनाएं और उसमें थोड़ा सा नमक डालें, फिर जहाँ पर आपका दर्द है वहाँ पर उसे अप्लाई करें, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और बहुत जल्दी आपका दर्द कम हो जाएगा। नंबर 3, कोल्ड कॉम्प्रेस और आइस पैक। दोस्तों, जहाँ पर आपके दांत का दर्द है उस साइड पर अपने चिक्स मतलब कले पर बर्फ का सेक लगाएं, मतलब बर्फ को एक कपड़े में डालकर या कोई और चीज में डालकर अपने कले पर पकड़ें, या बर्फ की एक स्पेशल थैली भी आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये लेकर अपने कले पर लगाएं और उसका कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही रखें। इससे आपका दांत का दर्द भी कम हो जाएगा और वहाँ पर सूजन है तो वह भी कम हो जाएगी। नंबर 4, साल्ट वाटर माउथवाश। दोस्तों, एक ग्लास में हल्का सा गर्म पानी लें और उसमें आधा चम्मच नमक डालें और इसे कम से कम 3 सेकंड तक मुंह में पकड़कर कुला कर दें। ऐसा करने से आपका दांत का दर्द भी कम हो जाएगा और वहाँ पर मौजूद सूजन भी कम हो जाएगी। और इससे दांतों में फंसे हुए छोटे छोटे प्रैक्टिकल मतलब आप जो चीज़ खाते हैं वो आपके दांत में फंसी हुई होती है तो वो भी निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से मुँह में जलन भी हो सकती है, इससे कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लें। तो दोस्तों, ये थे दांत के दर्द कम करने के 4 बेस्ट होम रेमेडीज। आई होप आपको इससे फायदा होगा। दोस्तों, आपको फायदा हुआ है तो कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।